नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में स्वागत करता हूं। क्या आप कुत्ते पालते हैं? क्या आपके घर में कोई बढ़िया छोटा सा प्यारा सा डॉगी है? आप उससे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन कई बार लोग आपसे बोलते होंगे, कई ब्राह्मण बोलते होंगे, पंडित बोलते होंगे, या बहुत सारे साधु लोग भी बोलते हैं, कई कथावाचक भी बोलते हैं कि सनातन धर्म में गौ माता की बहुत महिमा गाई गई है और गाय पालना जो है एक बहुत बड़ा धर्म का कार्य है और कुत्ते जो है वो हमारे यहाँ नहीं पाले जाने चाहिए, घर में कुत्तों को नहीं पालना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें कहते हैं। बहुत लोग शहरी लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं कि शहर में तो लोग कुत्ते पालते हैं, गांव में लोग गाय पालते हैं, यही अंतर है हम सनातन धर्म में और आधुनिक धर्म में, यही अंतर है शहरों में गाँवों में, यही अंतर है वेस्टर्न्स लोगों के कल्चर में और इंडियन लोगों के कल्चर में। वेस्टर्न डॉग पालते हैं, डॉग रखते हैं अपने घर में, और जो भारतीय हैं वो गौ माता को पालते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गौ माता सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानी गई हैं और उनकी बहुत महिमा गाई गई है सभी सनातन ग्रंथों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुत्ते पालना कोई पाप है या कुत्ते पालने से आप मतलब कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो। दरअसल अगर हम अपने सनातन ग्रंथों को ठीक से पढ़ें तो हमारे सनातन ग्रंथों में कुत्तों की बहुत ही महिमा गाई गई है और कुत्तों को लेकर के उन्हें बहुत विशेष स्थान दिया गया है। इसलिए अगर आप अपने घर में कोई डॉगी को पालते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं, आप ज़रूर रखिए, उसको बहुत प्यार से रखिए। अब आप बताइए, हमारे सनातन धर्म का जो सबसे मूल ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही सरामा नाम की एक कुतिया का वर्णन आता है। सरामा नाम की कुतिया को शुभगा कहा गया है, जो भाग्यवान हो, सुपदी कहा गया हो, जिसके पैर जो है ना शुभता लाते हों, घर में अच्छी चीज़ें लाते हों, और उसे देवशुनी कहा गया, यानी देवताओं की कुतिया कहा गया है। सरामा जो है वो इंद्र के साथ चलती है, इंद्र के साथ युद्ध करती है और वह एक कुतिया है और वो इंद्र की बहुत सहायता करती है। ऋग्वेद में कई ऋचाओं में सरामा कुतिया का वर्णन किया गया है, बड़े आदर्श के साथ कहा गया है। सरामा कुतिया के बारे में एक बड़ी अच्छी कथा ऋग्वेद में मिलती है कि एक बार अंगिरस ऋषि के बच्चों की गायें जो है पणि लोग चुरा ले जाते हैं। पणि लोग वो थे जो आर्यों के शत्रु थे और आर्यों की गायों को चुरा के ले जा ले जाते थे। तो अंगिरस ऋषि के जो बालक लोग थे उन लोगों ने इंद्र से प्रार्थना की कि वो उनकी गायों को खोज करके लाएं। जो पणि लोग जो थे उन लोगों ने गायों को एक गुफा में छिपा रखा था। तो इंद्र सरामा कुतिया को कहते हैं, जो देवताओं के लिए जासूसी का भी कार्य करती थी, तो उसको कहते हैं कि तुम अगर इन गायों को खोज लाओ तो आगे से मैं ये वरदान दूंगा कि गायों का दूध कुत्ते भी पी सकते हैं। आमतौर पर एक प्राणी का दूध दूसरे प्राणी नहीं पीते, आप जानते होंगे, उनके बच्चे नहीं पीते हैं, बहुत कम ही मिलेंगे आपको ऐसे। तो सरामा जाती है और उस गुफा में वो पणियों को देख लेती है और उसे पता चल जाता है यहीं गायें रखी हैं। पणि लोग उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें मैं मांस दूंगा, तुम मत बताओ इंद्र को, लेकिन सरामा बहुत ईमानदार कुतिया थी, वो जाके इंद्र को बताती है और इंद्र जो है पणियों को मारते हैं और गायों को छुड़ाकर अंगिरस ऋषि के बालकों को दे देते हैं। सरामा से फिर इंद्र बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वरदान देने के लिए कहा था कि आज से जो गाय का दूध है, जो अमृत तुल्य है, वो कुत्ते भी पी सकेंगे, कुत्तों के बच्चे भी पी सकेंगे। तो सरामा का दिल कितना बड़ा था ये देखिए। सरामा जो है वो कहती है कि केवल मैं नहीं, हमारी जाति नहीं, कुत्तों की जाति नहीं, मनुष्य भी जो है गाय का दूध पी सके। तो दोस्तों, गाय का दूध जो हम लोग पीते हैं वो इंद्र द्वारा किसी कुतिया को दिया गया वरदान है, उन्होंने दिया वरदान, इसके बाद से इंसानों ने भी गाय का दूध जो अमृत तुल्य दूध है पीने की परंपरा की शुरुआत की, ऐसा हमारे ग्रंथों के अनुसार कहा गया है। सरामा के बारे में जो बाद के ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि सरामा, ऋग्वेद में सरामा के वैसे दो पुत्रों का वर्णन आता है, श्यामा और सुबला। बाद के ग्रंथों में जो है चार पुत्रों का वर्णन आता है, श्यामा और सबला तो मैंने बताया, इसके अलावा अबला और रिजी हैं। ये लोग यमराज के साथ पाए जाते हैं, यमराज कुत्तों के साथ चलते हैं, ये चार कुत्ते यमराज के आगे आगे चलते हैं और ये इनके बारे में माना जाता है बच्चों में जो जुकाम होता है वो ये इन कुत्तों के द्वारा ही होता है, ये ऐसी मान्यताएं हैं
इसके बाद हम जब रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो वाल्मीकि रामायण के में दो जगह पे कुत्तों का वर्णन आता है। एक वर्णन जो है अयोध्या कांड में आता है, जब भरत जो है अपने नाना के घर से वापस लौट रहे थे, जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, तो उपहार स्वरूप उनके जो नाना और उनके मामा जो थे, उन्होंने 2000 बहुत श्रेष्ठ कुत्ते उनको दिए। इसका मतलब कि कुत्ते जो हैं राज परिवारों में पाले जाते थे। इसके बाद जब वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हम आते हैं, तो एक कुत्ते का वर्णन है जो हमारे सनातन धर्म में शायद सबसे अद्भुत वर्णन है। ये कहानी ये है कि श्री राम जो हैं वो अपने दरबार में बैठते हैं और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि जाकर देखो बाहर, दरबार के बाहर क्या किसी को कोई न्याय चाहिए, क्योंकि राम राज्य में कभी भी अन्याय नहीं होता था। तो लक्ष्मण जाते हैं और लक्ष्मण जाकर बाहर देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता है। तो लक्ष्मण आके बताते कि श्री राम कोई भी नहीं आया, किसी को भी ज़रूरत नहीं, सभी सुखी हैं। तो श्री राम दोबारा भेजते कि तुम दोबारा जाकर देखो, शायद किसी को हो। तो वो जब बाहर जाते हैं तो लक्ष्मण जी को वहाँ पर एक कुत्ता भूखते हुए नज़र आता है। वो लगातार भूख रहा होता है, उसका सर फटा हुआ होता है। तो लक्ष्मण जी बोलते कि तुम क्यों भूख रहे हो इस तरीके से। तो वो बोलता है कि मैं श्री राम से न्याय मांगने आया हूँ। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि ठीक है, अगर न्याय चाहिए तो आप राजदरबार के अंदर जाइए। तो कुत्ता बोलता है कि हम कुत्ते की जाति जो है, हम मंदिरों में और ब्राह्मणों के घरों में और यज्ञ स्थल में हम सीधे प्रवेश नहीं कर सकते, बिना और राजा के दरबार में हम सीधे प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हमें अनुमति ना हो। तो लक्ष्मण जाते हैं और श्री राम को बोलते हैं कि एक कुत्ता न्याय मांगने आया है। तो श्री राम कहते हैं कि कोई भी प्राणी हो, उसको न्याय पाने का अधिकार हमारे राज्य में है, उस कुत्ते को बुलाओ। तो श्री राम के आदेश से लक्ष्मण जो है कुत्ते को राजदरबार के अंदर देखे जाते हैं। कहते कि श्री राम ने आपको राजदरबार के अंदर बुलाया है। श्री राम पूछते हैं कि क्या आपको, आप कौन हैं, आपको किस लिए न्याय चाहिए। तो सबसे पहले कुत्ता जो है श्री राम की तारीफ करता है और श्री राम के न्याय व्यवस्था की तारीफ करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम धर्म की परिभाषा सनातन धर्म में जो दी जाती है कि जो हम धारण करते हैं वही धर्म है, ये परिभाषा वो कुत्ता देता है। और वो कहता है कि मैं आपको ये श्लोक जो है पढ़ के सुनाता हूँ। धारणाद धर्म मिथ्या हुधर्मेण विधृता प्रजा, अर्थात धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है और प्रजा उस धर्म को धारण करती है। ये बहुत ही महान परिभाषा जो धर्म की सनातन धर्म में दी गई है। जिसे आप धारण करते वही आपका धर्म है, जिसे पूरा समाज धारण करता है, जिन मान्यताओं को समाज मानता है उसे ही धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म की परिभाषा हमेशा एक मानक रही है, लेकिन जो मान्यताएं जब बदलती रहती है तो धर्म का स्वरूप भी बदलता रहता है। और वो कुत्ता जो है वो धर्म की इतनी बड़ी परिभाषा देखता है। फिर श्री राम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये सर कैसे फट गया, तुम्हें क्यों न्याय चाहिए। तो वो बताता है कि मैं अयोध्या के बाज़ार में ऐसे ही खड़ा था, तो एक सर्वत्र सिद्ध नाम का एक भिक्षु जो है, ब्राह्मण भिक्षु जो है, वो उसने मुझे डंडे से मारा है और उस वजह से मेरा सिर फट गया है, तो मुझे न्याय चाहिए। तो श्री राम उस सर्वार्थ सिद्ध ब्राह्मण को बुलाते हैं दरबार में। अब बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो ब्राह्मण जो होता है वो अपनी सबसे पहले अपराध को स्वीकार करता है। वो कहता है कि मैंने क्रोधवश ऐसा कर दिया, क्योंकि मैं भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे भटक रहा था और मुझे कहीं से भिक्षा मिल नहीं रही थी, मैं भूख से पीड़ित हो रहा था और उसी समय ये कुत्ता जो है वहाँ पर घूम रहा था, अपने मज़े से घूम रहा था, तो मुझे इसकी प्रसन्नता का कोई कारण नजर नहीं आया, मैंने इसे उठा के गुस्से में डंडा मार दिया जिससे इसका सर फट गया। आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो श्री राम वहाँ जो जितने भी श्री राम के दरबार में जो ज्ञानी जन लोग बैठे, जैसे वशिष्ठ थे, इसके बाद वो बुलह थे और कण्व थे और बहुत सारे ऋषि थे वहाँ पे, तो उनसे पूछते हैं कि क्या दंड देना चाहिए। तो ये ऋषि लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है, ऐसा उस समय की मान्यता थी। तो जैसा मैंने बताया आपको कि मान्यताएं हमेशा बदलती रहती है, इस धर्म का स्वरूप और न्याय का स्वरूप भी बदलता रहता है। तो श्री राम के समय में या हमारे उस समय में ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने की मान्यता नहीं थी। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि हम इसे शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, और कोई दूसरा दंड विधान आप सोच सकते हैं तो बताइए।
तो श्री राम उस कुत्ते से ये पूछते कि बताइए इसको क्या दंड दिया जाए। तो जो कुत्ता है वो बोलता है कि इसे कालंजर नाम के एक मठ का अधिष्ठाता या महंत बना दीजिए। तो श्री राम जो है उस जो सर्वार्थ सिद्ध ब्राह्मण है उसको कुलपति या महंत के पद पे उसका अभिषेक करते हैं और इसके बाद वो खुशी खुशी हाथी पर बैठ करके चला जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि ये तो दंड नहीं, ये तो वरदान हो गया। तो श्री राम बोलते हैं कि ये कुत्ता ही बताएगा कि इसका तत्व क्या है, इसका मूल रीज़न क्या है, ऐसा दंड क्यों दिया गया इसे, ये दंड है या वरदान है। तो वो कुत्ता बताता है कि मैं भी पूर्व जन्म में इसी मठ का अधिष्ठाता था, महंत था, और जो लोग देवताओं के ऊपर, देवताओं की पूजा के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं, यज्ञ के अंग पे अपना अधिकार जमा लेते हैं और उनको हड़प लेते हैं, वो लोग क्या इसी किसी स्त्री के या किसी स्त्री के या किसी बच्चे के अनाज पे, अंग पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, वो लोग अविची नामक नरक में जाते हैं और अपने सात पीढ़ियों को भी बर्बाद करते हैं, अगले जन्म में कुत्ते का रूप धारण करते हैं। मैं भी पिछले जन्म में मैंने भी ऐसा किया था, इसलिए मुझे लगा कि ये दंड बिल्कुल उचित होगा कि इसे एक महंत बना दिया जाए और ये जब देवताओं के ऊपर चढ़ने वाले चढ़ावे को हड़पेगा, उसका उपभोग करेगा, उससे पे अपने मतलब भोग विलास करेगा, तो निश्चित तौर पे ये जो है अविची नामक नरक में जाएगा बाद में, और इसके बाद अगले जन्म में वो पहले वो कुत्ता बनेगा। श्री राम की वो कुत्ते को आशीर्वाद देते हैं, वो कुत्ता काशी चला जाता है और वहाँ वो तपस्या करके अपने प्राण त्याग देता है। तो ये कुत्ते की महिमा है। इसके अलावा महाभारत में लगभग 5 जगह पे कुत्तों का वर्णन आता है। महाभारत में कुत्तों का जो वर्णन है उसमें सबसे पहले महाभारत की शुरुआत जब होती है आदि पर, वहीं सरामा नाम की कुतिया जो जिसका वर्णन ऋग्वेद में है, तो उसी कुतिया का बेटा आता है और वो यज्ञ क्षेत्र जो जनमेजे जब यज्ञ कर रहे होते हैं, सर्प यज्ञ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने मार डाला था और वो बदला लेने के लिए सर्पों को मारने के लिए सर्प यज्ञ कर रहे थे, उस समय वो कुत्ता जो है, जो सरामा का बेटा है, वो यज्ञ के क्षेत्र में घुस जाता है और उससे कुछ लोग जो है पीट देते हैं। तो जब वो अपनी माँ के पास, सरामा के पास लौटता है, तो सरामा जो है जन्मेजे को शाप देती है कि जल्द ही उसके जीवन में बहुत भयंकर बात होगी, जो बहुत ही भयंकर कष्ट उसको सहना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे सारे पांडवों को और उनको जंगल में ले जाते, तो वहाँ एकलव्य जो है को देख करके एक कुत्ता जो है जो पांडवों के साथ था वो भौंकने लगता है, तो एकलव्य बाण मारता है और कुत्ते का मुंह जो है बंद कर देता है उसी बाणों से। तीसरा जो वर्णन आता है वो ये वर्णन आता है कि युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में प्रेम आलाप कर रहे होते हैं, उस समय कुत्ता प्रवेश कर जाता है, तो युधिष्ठिर शाप देते हैं कि जिस प्रकार तुमने हमारे एकांत को देख लिया है, उसे सार्वजनिक कर दिया, इसलिए तुम लोग भी, तुम्हारी जाति भी जब प्रेमालाप करेगी तो उसे पूरा संसार देखेगा। इसके बाद महाभारत में युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण का पर्व जो है, जब जो सारे पांडव स्वर्ग जा रहे होते हैं तो सब साथ में उनके एक कुत्ता चलता है, सभी लोग धीरे धीरे रास्ते में मरने लगते हैं, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सभी मर जाते हैं रास्ते में, लेकिन वो कुत्ता लगातार तक स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाता है। तो वहाँ इंद्र जो है युधिष्ठिर का स्वागत करने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं युधिष्ठिर कि मैं अकेले नहीं आऊँगा सशरीर, मेरे साथ ये कुत्ता भी आएगा। तो इंद्र बहुत समझाते हैं कि कुत्ता स्वर्ग कैसे आ सकता है, तो वो बोलते नहीं, इसे तो आना पड़ेगा। तो इंद्र मान जाते हैं, तभी वो कुत्ता प्रकट हो जाता है और कहता है कि मैं धर्म हूँ, मैं धर्म का साक्षात स्वरूप हूँ, धर्मराज के रूप में वो प्रकट होता है। तो कुत्ते की ये कहानी भी महाभारत से हमें मिलती है। और सनातन धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है दोस्तों जिसमें केवल इंसानों के मोक्ष या इंसानों के बारे में बात नहीं की गई है, उनके कल्याण की बात नहीं की गई, उन्हें जन्नत या पैराडाइज देने की बात नहीं कही गई है।
हमारे यहाँ एक छोटा से छोटा प्राणी भी, एक चींटी भी जो है वह स्वर्ग प्राप्त कर सकता है अपने कर्मों के द्वारा, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है अपने कर्मों के द्वारा। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है जो किसी भी अन्य धर्म में नहीं पाई जाती, क्योंकि हमारी जो संवेदना है, हमारी जो सेंसिटिविटी है, हम वो केवल हमारे तक सीमित नहीं है। हमारे सेंसिटिविटी जो है, हमारी संवेदना जो है, हर प्राणी मात्र तक जो है वहाँ तक फैलती है। हमारा धर्म हर प्राणी के कल्याण के लिए बना है। इसीलिए जब भी आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ जब पूजा होती है तो प्रार्थना की जाती है सभी प्राणियों का कल्याण हो, ना कि केवल मनुष्यों का कल्याण हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ, जो सनातन धर्म के बारे में बताती है, सनातन धर्म के मूल रहस्य को का उद्घाटन करती है, मैं लेकर आऊँगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।